जी हेलो अली साहिल भाई। भाई, आपको कितना बार बोला कि रेफरेंस वाले बंदे से बात करो। अब बिना रेफरेंस वाले बंदे से बात करते हो बहुत देर। भाई तू रेफरेंस एक भी दिखाता तो है नहीं। भाई दिखाता हूं रेफरेंस, बोलता है, फिर बोलता मेरे पास किताब है, हदीस का नंबर तेरे पास नहीं होता है। अभी अभी तूने ये बोला था कि एक ये है, मतलब आर्मी के ऊपर आपने बोला था, तो मैं उस पर एक तो रिप्लेस दे रहा हूँ। कोड 135 आयत निकालो। हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है पहले ये बता। मैं अभी दुबई में हूँ। अब एक खजूर सवाल तुम लोग को, भाई तू तू हिंदुस्तानी, रेफरेंस के साथ बात करेगा? सवाल मैंने क्या किया, तू किधर है ये पूछा मैंने? क्या मैंने हूँ तुझसे ये पूछा कि तू किधर है जो तू मेरे को बोल रहा है कि मैं दुबई में हूं? चलो ठीक, हिंदुस्तानी हूँ। आगे बोलो। शर्म आ रही है अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए? तो यार तो बोल तो रहा हूँ हिंदुस्तानी, इंडियन हूँ, इंडियन मुस्लिम। पहले क्यों नहीं बोला? बी देखो दुबई प्राउड, वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? दैट आई एम इंडियन मुस्लिम। हाँ, प्राउड वाला पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तानी है क्या पाकिस्तानी है? बोलता मैं दुबई में हूँ। अरे तू दुबई में हो, अमेरिका में हो, किधर भी हो, उसे यार क्या लेना तो देना? तू हिंदुस्तानी है तो सीधा ये जवाब देगा मैं हिंदुस्तानी मैंने हूँ। ये तो नहीं बोला, मैं अरबी हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी हूँ। कभी बोला तूने हिंदुस्तानी? यार दुबई में हूँ वो अलग बात हुआ। क्योंकि क्यों बोला लेकिन दुबई में हूँ ये बता, हिंदुस्तानी मैं क्यों अभी नहीं बोला दुबई तूने में शुरू हूँ में? क्या मैंने ये सवाल किया था कि अभी। तू किधर रहता है या अभी किधर है? नेटवर्क ट्रेवल यही कर रहता है रहा था, जिसपे अच्छा तुम सुनाई नहीं दिया। सुन सुन। अच्छा अभी सुनाई नहीं दिया, चालाकी देखो, अभी सुनाई नहीं दिया। यार अभी तो मैं ये बोल रहा बंदे हूँ का रुक इंडियन जा रे मुस्लिम हूँ। भाई। आगे बोलो। हाँ ये बंदे का यही प्रॉब्लम है कि ये सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है, और फिर बोलता कुछ और है, और खुद जो बोला वो ही नहीं समझता कि मैंने क्या बोला। अरे यार फिर एक बार बोलता है कि बोल दिया, तुम लोग उनको 10 बार जो बोल रहा हूँ कि रेफरेंस इंडियन देते हो। मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। हाँ भाई बोल। सूरत नंबर 4 का आयत नंबर 135 निकालो। इसमें लिखा क्या हुआ है, उसमें? ऐ ईमान वाले, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वालदेन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ। अगर तुम तोड़ मरोड़ के यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची की तरह बाखबर है, अल्लाह फरमा रहा है कि इंसाफ कायम करने वाला बनो। अब जो इंसाफ, जो हक की बात होगी, जो सच बात होगी, उसके साथ है हम लोग। बात खत्म। नहीं, सच बात है तो क्या वो अभी आज जो है, आज नहीं कल सॉरी, ये पूंछ इलाके में 6 हमारे जवानों को वीरगति मिली है और तुम्हारी भाषा में शहीद हुए हैं, जी तो क्या उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? मैं जवानों के ऊपर, मैं दुनिया के हर शख्स के ऊपर आऊंगा जो अल्लाह नहीं मैं भाई देख, बुत इधर परस्ती करता चालाकी है, नहीं, एक सुन अल्लाह के सिवा अली, किसी और। ये चालाकी नहीं चाहिए, जनरल स्टेटमेंट्स पे मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। अभी तू बोला ना प्राउड इंडियन, अभी तूने वर्ड यूज किया था, साजिद सुना था ना तुमने, आई एम प्राउड जी इंडियन। हाँ तो मुझे ये सब चूरन चपाटा और जलेबी नहीं चाहिए, आपने सीधा जवाब देना है कि इन 6 के बारे में आपका क्या कहना है। जी भाई मैंने बोला था आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम, ये बोला। यू आर प्राउड दैट यू आर इंडियन मुस्लिम, यू आर जस्ट नॉट या प्राउड बींग एन इंडियन। इंडियन विथ मुस्लिम। भाई अच्छा सिर्फ इंडियन होने के लिए प्राउड नहीं फील करता है तू? पहले हम लोग में इस्लाम है, पहले धर्म है, उसके बाद देश है। सच बात है मतलब भाई, सच बात है, इसी वजह से तुम लोग बदनाम है। जिस क्रिएटर सुन ने सुन दुनिया सुन बनाई पहले सुन, उसको मानो कि कंट्री को मानो, आप बताओ लॉजिक रुक जा सेंस। भाई, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। इसी वजह से तुम लोगों को गालियां पड़ती है और इसी वजह से तुम लोग बदनाम है। क्या बोला इसने? मेरे जो लिए रिलीजन, क्रिएटर दुनिया चला रही है उसको मानो कि पहले क्रिएटर कंट्री रुक मानो, पहले जा, बताओ। क्रिएटर रुक जा, मेरे लिए देश पहले, क्रिएटर गया भाड़ में।
भाई बोल अभी क्या जो बोल रहा। दुनिया बनाई, जिसने मैं रोजी बोल रहा रोटी हूँ ना, का मेरे जरिया लिए दुनिया बनाया, बनाया, जिसने किसके इंसान लिए को बनाया पैदा किया। अली, अच्छा सुन अच्छा ना, अच्छा अच्छा एक सुन मिनट ले, एक तूने मिनट मेरे से सवाल किया ना, मैंने बोला दुनिया बनाई, इंसान बनाए, ये बनाए वो बनाए, भाड़ में गया, मेरे लिए देश थे पहले, ये तो गलत बात समझा। है, ये अभी तो आप आगे बात नास्तिक करते वाला हैं। बात, नास्तिक हाँ वो वाली बात नास्तिक बोली। वास्तिक छोड़ दे, तूने मेरे से एक सवाल किया, मैंने तुझे जवाब दे दिया। अब ये बता कि हाँ ये 6 लोगों के बारे में जिनको वीरगति प्राप्त हुई, और तू सबसे पहली बात तो ही इज जस्ट नॉट प्राउड बीइंग एन इंडियन, जस्ट इमेजिन गाइस, सिर्फ इंडियन होने में इसको फक्र नहीं है। यार, हर हाँ कोई तो अब पहले ये धर्म छह लोगों लेता के है, बारे में, पहले 6 लोगों हम के लोग बारे में में जैसे क्या पहले सुनना है? अल्लाह है वैसे ही और सब में पहले भगवान है। हाँ, भगवान को मत तेरे अल्लाह के साथ मिला। अब ये बता कि ये 6 लोगों के बारे में क्या तेरा कहना है? मैं क्या कहूं, अगर वो इस्लाम में विश्वास ही नहीं तो इस्लाम से क्यों देखते हो उसके नजरिया? अगर वो नॉन तो मुस्लिम है तो मैं नॉन मुस्लिम के नजरिया ये से फिर देखे। अगर अगर जलेबी। हिंदुओं अच्छा में, सुनो भाई, अली अली अगर अली हिंदुओं अली में अगर अली वो जन्नत में प्लीज जाएंगे तो जाए। अली अली, मेरे को एक बात बता, एक इंसान बोलो विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके विश्वास के बुनियाद पे तेरा अल्लाह जो है उसको छोड़ देगा? भाई, वो हमारे धर्म पे तो विश्वास नहीं करता, उसके धर्म के हिसाब से वो हिसाब छोड़ देगा? करे, वो एक स्वर्ग में मिनट जाएगा। एक मिनट रुक जा, तेरे लिए मैं हथियार लेके आता हूं। वही तो बोला भाई, हम लोग से बात करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हथियार निकालना पड़ेगा। अरे तेरी मुश्किल अभी सॉल्व कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा भाई है ना तेरी मुश्किल दूर करने के लिए। पता है साहिल, तुम्हारा एक वीडियो भी बनाया हूँ मैं, वो मैरिटल रेप पे है, हाँ, आए हाय 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 आए हाय डाउनलोड हाय। किया, पता है 3 GB लगा डाउनलोड अरे करने में। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, इधर बता अभी। तू ये पूछो। बोल रहा है, मुझे ये बता, जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, क्या तेरा अल्लाह उसे उसके विश्वास के हिसाब से छोड़ देगा? अगर मुस्लिम में बोला जाए तो, अगर जो दूसरे धर्म पे विश्वास करता है उसको तो मैं नहीं बोल सकता, वो अपने धर्म से, वो तो हम लोग के धर्म पे विश्वास ही नहीं करता, तो हमें अपने धर्म से क्यों जवाब दे? हाँ मतलब जो एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, हाँ ठीक है, तो वो तो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, तो अल्लाह उसको फिर जहन्नम में नहीं डालेगा ना? अगर जन्नत में डाले या जहन्नम में डाले उससे तो उन लोग को मतलब ही नहीं है, हम लोग के अरे धर्म से। देख 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 देख, मैंने अब तू अपने पॉइंट से अच्छा भाग रहा है। तूने ये कहा था कि वो आपने दूसरा हम पे विश्वास ही साहिल, नहीं करता है, सुन ना भाई आपने मेरे तो प्यारे। लिखा है इसमें, इसमें पूरी दुनिया लिखो, जो पूरी दुनिया अल्लाह पे विश्वास ना करे, पहले ये लिखो। पूरी क्या दुनिया अल्लाह पे विश्वास ना करे? दुनिया में अगर कोई भी, आपने लिखा है ना, जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करे, इसमें लिखो पूरी दुनिया में जो अल्लाह पे विश्वास ना करे, वो हाँ तो लिखो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ अल्लाह अलग से करेगा क्या? नहीं, पूरी दुनिया पे बात करते हैं। नहीं, पूरी दुनिया नहीं रे भाई, जलेबी मत घुमा, सीधा बोल कि जो तेरे अभी तेरा हाँ आर्गुमेंट क्या था, तेरा आर्गुमेंट ये था कि जो नहीं मानता है वो अपना माने, हमको क्या करना हाँ है इस्लाम में ना? कहते हैं तो लकुम वही दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा तो दीन सुन ना तुम्हारे सुन लिए, हमारा दीन ना हमारे सुन लिए। ना सुन ना मेरे भाई, तो मुझे ये बता कि जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो एथियस्ट है, वो तो तेरे अल्लाह पे, तेरे रसूलुल्लाह पे नहीं मानते, तो क्या अल्लाह इनको अभी जहन्नम में नहीं डालेगा? कुरान की आयत है कि हमने हिदायत वाजे कर दी है, पहले ये जवाब दे कि जन्नत हिदायत या जहन्नम में डालेगा या नहीं डालेगा, बाद में तेरी आयत पेश कर। हाँ कितना मुश्किल हो जाता है ना जवाब देना, कि कहीं फंस नहीं जाऊं, कुछ बोल दूंगा तो पकड़ यार। लेगा ये। मैं फ्री विल की बात कर रहा हूं, शुक्रगुजारी की रवि फ्री विल इख्तियार तू करो या तेरे से, नाशुक्री की, तेरे से अल्लाह सुन ने हिदायत अली वाजे कर दी। अली,
अली, तेरे से फ्री विल पे सवाल ही नहीं हुआ। तूने एक आर्गुमेंट ये दिया था कि भाई वो लोग तो मानते नहीं है ना, जन्नत जहन्नम को या अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो छोड़ो ना, वो उनके हिसाब से उनको, हाँ वो जिसको मान रहे वो मिलेगा। तो मैं वही पूछ रहा वो अपना हूं स्वर्ग में कि जाएंगे। हाँ सही एक, बात है। अच्छा, मतलब तू ये कह रहा है ये हिंदू हिंदू को अल्लाह स्वर्ग जाएगा। हाँ हिंदू स्वर्ग में डालेगा, हिंदू को अल्लाह स्वर्ग में डालेगा। अच्छा, अल्लाह नहीं, उसका भगवान। अरे उसका भगवान अल्लाह तो फरमाया मतलब लकुम दीनकुम ना, वलिया दीन। एक मिनट, अल्लाह नहीं उसका हाँ भगवान, ठीक है, हाँ मतलब जन्नत जहन्नम नर्क स्वर्ग, ठीक है, एक मिनट, मरने के बाद ये चार डिपार्टमेंट है, जन्नत जहन्नम नर्क स्वर्ग। जन्नत जहन्नम का मालिक अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अरे रुक रे, और नर्क स्वर्ग का मालिक भगवान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉन यहाँ पे बिलीवर। एक मिनट, यहाँ पे जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह उन्हीं का फैसला करेगा जो अल्लाह को मानते, और यहाँ नहीं पे नर्क स्वर्ग का फैसला अल्लाह नहीं कर पाएगा मैं भाई। अकॉर्डिंग टू नॉन बिलीवर के हिसाब से बोला। अकॉर्डिंग जो जो फेथ पे विश्वास करता है, अगर उसका फेथ है, उसका फेथ पे बोल रहा हूँ, उसका फेथ बताता है वो स्वर्ग जाएगा। मैं अपना फेथ अच्छा, बताता हूँ अभी, मैं तेरे फेथ के बता रहा हूँ हिसाब अपना से, फेथ। सुन सुन हाँ सुन, तेरे फेथ के हिसाब से ये जो अल्लाह है ये हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, मुलहिदों का, सिखों का, यहूदियों का, ये फैसला करेगा अल्लाह नहीं करेगा, करेगा। भाई कहाँ डालेगा इनको? अच्छा, अगर कोई बात सच साबित हो गई कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, अगर कोई अरे बंदा कहाँ विश्वास में, डालेगा वो बता, एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, अगर इंडिया के मिसाल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, अगर पहले कोई बोल फॉलो नहीं कहाँ करेगा। डालेगा। एक मिनट, मिसाल नहीं, पहले जवाब दे कहाँ डालेगा, उसके बाद तेरी मिसाल, एक्सप्लेनेशन, दलील सब देना। हाँ, कहाँ डालेगा ये बता। वो अगर मरने से पहले भी अगर अल्लाह पे ईमान लाया तो वो जन्नत में अरे जाएगा। नहीं लाए रे भाई, इसके लिए तो हिंदू क्रिश्चियन मुलहिद लिखा है, नहीं लाए उन लोग। हाँ, अब कहाँ डालेगा? ईमान अगर मरने से पहले नहीं लाए तो जहन्नुम में डालेगा अल्लाह। थैंक यू सो मच। मतलब अब फैसला जो, ये तो नहीं ना कि वो तो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसका भगवान जो है वो स्वर्ग दे देगा, अल्लाह तो छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तो एट द एंड उसको डालेगा जहन्नम में, ठीक क्योंकि है। अगर अल्लाह अल्लाह वाजे कर दे कि अभी ये रुका हक की किताब है, रुक, साबित रुक, हो गई ये अभी रुक, क्रिएटर की किताब है। हाँ एक क्रिएटर, रुक जा, पहले बात सुन, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। बोलो बोलो। क्रिएटर, अभी तूने यहां तो बोल दिया कि हिंदू क्रिश्चियन मुलहिद सिख यहूदी ये सबको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, ठीक है, पहले वाली तेरी बात जो है वो गलत साबित हो गई। अब ये बता, ये छह जवान, इनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा? भाई वो अल्लाह पे विश्वास ही नहीं करते तो उसके धर्म के हिसाब से सवाल करो, मैं जवाब नहीं दे रहा ना हूँ। भाई, भाई भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ये बोला कि वो हाँ विश्वास करो या नहीं करो उसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, यहां तूने कंफर्म किया, इसी वजह से यार उसका हथियार विश्वास जरूरी बता है। रहा हूँ, अगर ये उसका चुप रहे, विश्वास है ही नहीं तो उसको कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा चुप रहे, उस अभी तूने कंफर्म किया, उसके मतलब या ना मतलब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तूने बोला कि वो मतलब हो या नहीं हो उसको जहन्नम में डालेगा, तो उसका मतलब ये सब नहीं करना, इसी वजह से ये हथियार मैंने रेडी रखा था कि तू यहां वहां जाएगा तो ये मेरा हथियार तेरे मुंह पे मारूंगा, और मेरा हथियार जब तेरे मुंह पे पड़ेगा ना तब तेरी अकल ठिकाने में आएगी, ये देख।
ये तेरे लिए, तेरे मुंह पे भाई मारने के भाई लिए तो जवाब हथियार तो रखा दे था मैंने, दिया, जवाब तो दे कहाँ दिया दिया ना, तूने, कोई कहाँ क्रिश्चियन जाएगा ये ईसाई अल्लाह, जूस कहाँ कोई भी जाएगा? हो, दे तो दिया जवाब, दो बार दिया वो जवाब। नहीं अभी दे, ये देख, ये क्वेश्चन पढ़ जरा, ये क्या लिखा है, भाई एक जवाब दो बार से ज्यादा मैं नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़ क्या लिखा है। मैंने कुरान की आयत भी इंसाफ कायम करो। अबे ये क्वेश्चन पढ़ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? ये नेटवर्क का क्वेश्चन पढ़। फैसला अल्लाह, ये छह जवान जिनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा? ये क्वेश्चन है ना, इसका हाँ तो जवाब दो बार दे चुका हूँ। अभी नहीं क्रिश्चियन देगा, ज्यूस कोई भी हो, दो बार दे चुका हूँ तो समझ में नहीं आया जहन्नम देगा ना, यार। जहन्नम वो तो में विश्वास डालेगा। नहीं करते, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो यकीन है एक ईश्वर, मतलब अपने भगवान पे, हमारे भगवान पे विश्वास ही नहीं है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। जहन्नम में डालेगा ना तेरा अल्लाह। अब ये बता, तू अपने आप जवाब को प्राउड दे इंडियन चुका हूँ। मुस्लिम बोल रहा था, सुन, तू अपने आप को हाँ प्राउड इंडियन मुस्लिम बोल रहा था, हाँ, तेरे लिए ये, तेरे तेरे घर वाले तो हिंदुस्तान में ही है ना, हाँ भाई, तेरे घर वाले हिंदुस्तान में ही है, तू भी कभी था, तेरे और तेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए हमारे जवान अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करके, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके, तेरे जैसे हराम खोरों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं, तू ये समझता है कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए? नहीं भाई दुनिया में नहीं ना मिलेगी, वो तो आखिरत की बात हो रही है ना। हाँ आखिरत की बोल रहा हूं, मिलनी चाहिए उसको ऊपर से जहन्नम उनको। नहीं, ऊपर से तो मुस्लिम आर्मी भी तो बहुत हैं, इंडियन मुस्लिम आर्मी में भी मैं तो है मुस्लिम बहुत। आर्मी की नहीं, अच्छा मतलब मुस्लिम आर्मी को मिलना चाहिए, अच्छा रुक जा एक मिनट, मुस्लिम आर्मी को जन्नत मिलना चाहिए, वो जन्नत डिजर्व करते। एक ये नाम नहीं आ रहा है, एक कौन आर्मी था जिसने और पाकिस्तान का 6 टैंक उड़ाया खुद में बम रुक लगाकर, रहे मुस्लिम आर्मी था। नॉन मुस्लिम आर्मी को जहन्नम मिलना चाहिए क्योंकि वो जहन्नम डिजर्व करते, है ना? यस नो, यार दुनिया में अल्लाह ताला इसका भी सवाब देगा, अगर देश का यस लड़ता है इसका सवाब नो, देगा तो अल्लाह सजा यस कम देगा। नो, यस मैं नो, जवाब दे, नो नो, सजा कम देगा। मतलब जहन्नुम में नहीं डालेगा, जहन्नुम में कम सजा होगा, एक होता है हमेशा हमेशा के मतलब लिए, तो जहन्नुम में डालेगा उसमें ना रे भाई। लेकिन इसका सवाब भी मिलेगा, अगर देश के लिए वो अगर जान गवाया तो उसका सवाब मिलेगा। जहन्नुम में कौन सा सवाब मिलता जरा बता, जहन्नुम में हूर देगा क्या अल्लाह? नहीं देगा मतलब कि क्या बोलूं। अच्छा चल, ये तो तेरा कंफर्म हो गया, तू कितना बड़ा गद्दार है देश का और यार नाशुक्र है, गद्दार ये छोड़, तुम हकीकत हो, मत पता है ये अगर तुझे? उसका फेथ नहीं है, उसका फेथ नहीं है उसका इस्लाम पे, तो वो अपना फेथ पे वो अपना वो स्वर्ग जाएगा। चल अभी तूने बोला था कि वो स्वर्ग नहीं जाएगा बल्कि नरक में जाएगा, तूने खुद बोला है, तो यार अभी यहाँ तेरी दाल मेरा निकलने वाली, वो छोड़ दे, वो मेरा डिस्कशन फेथ, हो गया, अली मुंह मेरा बंद, फेथ पे क्यों ये वो तो सवाल होता है? मेरा अगर क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है उसके फेथ पे सवाल होगा। नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर कोई मुसलमान सैनिक है तो उसको जहन्नम, वो जहन्नम डिजर्व करता है, किसी ने नहीं कहा, इस वजह से सिर्फ तुम पे सवाल उठता है। तुम्हारे अंदर जो अरे यार गंदगियां है ना, इस वजह से तुम पे सवाल उठता, अगर तुम्हारे कपड़े साफ होते ना तो तुम पे सवाल नहीं उठता। नहीं भाई, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के खिलाफ जाओगे तो तुमको काला पानी में डालेगा या देश से निकालेगा। उसी तरह अगर इस्लाम वाजे हो गया कि ये हक की बात है, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला सजा देगा अगर नहीं मानोगे तो। सिंपल तो सजा लॉजिक। देगा तो वो, तो तू ये मानता है ना कि वो जो नॉन मोमिन आर्मी है, आर्मी वाला, उसको जहन्नम मिलना चाहिए ना, तो तू मान रहा है ना? भाई जब हक, अगर आपके सामने हक वाजे हो जाए, ये हाँ हक बात तो ये अल्लाह की मान गया किताब ना है, रे इंडियन भाई, मान गया ना तू, वो हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया, गद्दार इंसान। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बता, तो सजा देगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो मुंह सजा देगी। बंद कर तेरा, अभी जलेबी बंद कर, अभी ये बता, अतीक अहमद जो है इसको जानता है कि नहीं जानता है?
थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत क्या जानता है अतीक अहमद के बारे में? तेरे हिसाब से क्या है ये? गुंडा, माफिया है? मतलब वही गुंडा अच्छा, इतना मालूम है गुंडा है। है। हाँ क्या क्या केस है इसके ऊपर मालूम? ये तो नहीं मालूम केस क्या क्या है। अच्छा मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, और क्या है, जमीन कब्जा करना, ये तो पकड़ना। आसाराम बाबा के तरह भाई। अब ये बता कि अतीक को अल्लाह जन्नत देगा या नहीं देगा? अच्छा मैं बताता हूं तेरे देगा को, एक मिनट रुक, नहीं देगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक रे भाई। ये बता कि इसको है ना भेजे में गोली मारी गई और ये जगह पे मर गया, ठीक है? ये भेजे पे हाँ गोली मारी, मर गया। अभी ये क्या शहीद कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये देश का गद्दार कहलाएगा। अल्लाह इसे जहन्नुम में डालेगा। अच्छा, आज तेरे हिसाब से ये देश क्योंकि का ये इस्लाम गद्दार है? का मुश्रिक, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये देश इस्लाम का का गद्दार मुश्रिक है? हुआ। मुश्रिक लोग जन्नत में ना जाएंगे, वो जन्नत की खुशबू तक ना सुनेंगे। हदीस है। मतलब जो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा ये करी, ये मुशरिक है? मुश्रिक हुए हाँ। इस्लाम तो ये कैसे? कहने की इजाजत, मुशरिक की करने की डेफिनेशन इजाजत क्या है? नहीं देती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुश्रिक मिनट, ये तो नया झूठ। कौन सा वाला मोमिन आया? एक, अबे चुप, थोड़ा रुक जा, लिखने दे इधर। हाँ, मुशरिक की डेफिनेशन बता रहे भाई जरा। हदीस में इसका डेफिनेशन, जो झूठ बोले दूसरे पहले तू बोल, के उसके नाम बाद हदीस हमारे। पेश करना। मैं हदीस से ही साबित कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्या है डेफिनेशन? हदीस का नंबर बता। पहले डेफिनेशन तेरे हिसाब से क्या है बोल, फिर मैं हदीस लेके आता हूँ, तू जो बोलेगा। तू तो रेफरेंस के इस्लाम, साथ बात करता ना। हाँ रुको हदीस का, अब हदीस पे ही लाता हूँ। 1 मिनट रुको, हदीस खोज रहा हूँ। अरे मोटा मोटा पहले डेफिनेशन तो बता, मुशरिक किसको जो कहते हैं? इस्लाम, हाँ इस्लाम के खिलाफ जाए, अमानत में खयानत करे, गाली दे। इस्लाम के खिलाफ जाए, मतलब इस्लाम के क्या खिलाफ जाए? इस्लाम मना करता है मर्डर। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान कहता है इसने मर्डर किया, मतलब इस्लाम के जितने खिलाफ लोग, गया। अच्छा, जो मर्डर करे, मर्डर करे वो मुशरिक। और कौन कौन मुशरिक है? अमानत में खयानत करे, अमानत में खयानत करने वाला मुशरिक। हाँ, और और बिला वजह गाली गलौज करे। बिला वजह गाली गलौज करने वाला मुशरिक। हाँ, फिल्मों में जो काम ये करे वो जन्नत, भी मुशरिक। वो पता है। ये 4 डेफिनेशन बताया गया है हदीस से। अच्छा, फिल्मों में जो काम करे वो मुशरिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी गाली गलौज होती है, झूठ बोला जाता है। अच्छा, नमाज नहीं नहीं पढ़ने वो वाला मुशरिक होता है क्या? नहीं होता है? नहीं, उसका नमाज नहीं पढ़ने वाला मुश्रिक नहीं होता, उसको काहिली बोलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा, तौफीक देगा तो वो नमाज पढ़ेगा। ओके ओके मुश्रिक ओके, वो जो ठीक दिल में है। कुछ, दिल में ईमान हो लेकिन ईमान की बातें ना हो। मतलब दिल में ईमान हो नहीं नहीं लेकिन, नहीं रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, काटो काटो, ठीक हाँ है स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग निकला। मुश्रिक वो हाँ जो सिर्फ फिर नाम का मुसलमान हो, नाम मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान। तो वही की। ना, नमाज ना पढ़े, मुसलमान है, नाम नहीं का नमाज, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा। नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ये मुश्रिक नहीं हुआ। क्योंकि जो इस्लाम, तो वो नाम अल्लाह का के मुसलमान नहीं है? हुक्म का मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जो जो गुनाह करे, नमाज नहीं, लेकिन तूने क्या कहा? मुशरिक वो है जो सिर्फ नाम का मुसलमान। तो अभी जो नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, ये सारे लोग जो है ये नाम के मुसलमान नहीं है, ये पक्के मुसलमान है। क्योंकि वो मर्डर नहीं कर रहे ना, हाँ, लेकिन पक्के मुसलमान है। तो पक्के मुसलमान। ईमान मेरे में अगर ला भाइयों, इलाहा का इतने कलमा हो, लोग, अगर कोई आलिम सुन रहा होगा ना और ये उसको मिल जाए ना, तो उस इसकी पिछवाड़ी में इतने सुराग करेगा वो। आलिम भी बोलेगा अगर जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा, उस पे ईमान रखा, वो मुसलमान है।
एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में आने के लिए सिर्फ पहला कलमा पढ़ना पड़ता है, खत्म। बाकी तो ये तो बता कत्ल कि करेगा, जो मर्डर कर हर रहा आलिम है यही और बोलेगा। लेकिन एक मिनट, जो मर्डर कर रहा है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुस्लिम है या मुशरिक है? मर्डर करने वाला अल्लाह के खिलाफ जाएगा ही नहीं। अल्लाह ने बोला एक एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, खिलाफ जाए मतलब अच्छा अल्लाह तू को नहीं अभी मान तू रहा है। ये मुशरिक की डेफिनेशन अभी तू हदीस बताएगा, ये जो तू डेफिनेशन बताया ना, मुशरिक वो है जो मर्डर करे, अमानत में खयानत करे, बिला वजह गाली गलौज करे, मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान। चल इसका भी दलील दे, हदीस दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम मिलेगा, अभी इसमें तेरे को 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट ले ले, और हम रेफरेंस जब तक ढूंढने में टाइम पढ़ते लगता है। ले ले ले, कोई मुश्किल नहीं।